दोस्तों, जब कभी जेब और बैंक अकाउंट खाली होता है तब हम ये जरूर सोचते हैं कि काश हमारे पास पैसा छापने की मशीन होती तो लाइफ कितनी आसान होती। यहाँ पर रिसेंशन के दौर में लगता है कि जब पैसा नहीं है तो सरकार पैसा क्यों नहीं छाप लेती। अब देखिए, ये प्रैक्टिकली मुमकिन तो है, पर इससे महंगाई जरूर बढ़ती है और करेंसी जरूर गिर जाती है, वरना पाकिस्तान ये आइडिया पहले अपनाता। खैर, आपके दिमाग में सवाल भी कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर ये नोट कब और कैसे छापे जाते हैं, कौन इनके डिजाइन डिसाइड करता है, क्या मोदी जी नोट पर किसी और महापुरुष की तस्वीर नहीं लगा सकते, वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नोट छापने से जुड़े सारे छोटे बड़े और मजेदार सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अब हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई सरकार कभी भी कितने भी कैसे भी नोट छाप सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार को कई तरह के नियम फॉलो करने होते हैं। ये कैसे और कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए, आइए जानते हैं इसके नियम। दोस्तों, बता दें कि भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एक रुपए को छोड़कर सभी नोट RBI छापता है, जबकि एक रुपए का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। खास बात तो ये है कि RBI 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है, लेकिन इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार की इजाजत लेनी होती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले RBI कई स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है, और फिर इसके लिए सरकार से परमिशन ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले RBI से इजाजत लेती है, और फिर उसी के आधार पर एक आखिरी फैसला लिया जाता है। ऐसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दो और जब चाहे तब नए नोट छाप दिए जाएं, भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है। ऐसा करने से इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी और ऐसा करने से करेंसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे महंगाई की दर काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, बता दें कि सरकार और RBI GDP, डेवलपमेंट रेट, फिस्कल डेफिसिट के बेसिस पर तय करते हैं कि आखिर कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक साल 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी की प्रिंटिंग करता है। इस नियम के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंटिंग के खिलाफ मिनिमम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा रखना जरूरी है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 10 रुपए के 1,000 नोट की प्रिंटिंग के लिए 960 रुपए का खर्चा आया। ऐसे में देखें तो 10 रुपए के एक नोट के प्रिंटिंग के लिए करीब 96 पैसे खर्च होते हैं। इसी तरह से 20 रुपए के 1,000 नोटों की प्रिंटिंग पर 950 रुपए की लागत आई, यानी कि 20 रुपए के एक नोट की कीमत करीब 95 पैसे थी। 50 रुपए के 1,000 नोट की प्रिंटिंग के लिए 1,130 रुपए, वहीं 100 रुपए के 1,000 नोटों की प्रिंटिंग पर 1,770 रुपए और 200 रुपए के 1,000 नोटों की प्रिंटिंग पर 2,370 रुपए और 500 रुपए के 1,000 नोटों की प्रिंटिंग पर 2,290 रुपए का खर्चा आता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में RBI करेंसी जारी करता है और उसमें हमारे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें नोट के हिसाब से लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं। अब जब किसी भी तरह की करेंसी छापी जाती है तब RBI सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार की सलाह पर ये डिसाइड करती है कि RBI को कितने नोट छापने हैं और उसके डिजाइन डिनोमिनेशन किस तरह होगी। इसलिए अगर आपको कभी ध्यान होगा तो आपको पता होगा, बैंक पर हम जब भी पैसे जमा करने जाते हैं तो उसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि हम 100 के कितने नोट जमा कर रहे हैं, 500 के और 2,000 के भी नोट कितने जमा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि सरकार के आंकड़ों में ये दर्ज होता रहे और ये पता रहे कि कितने नोट अभी भी सर्कुलेशन में है। जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितने अमाउंट की कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, यानी 2000 के कितने नोट और 100 के कितने नोट प्रिंट करने हैं। इसके बाद ही RBI गवर्नमेंट से किए गए डिस्कशन के हिसाब से करेंसी प्रिंटिंग के ऑर्डर देती है। अब देखिए, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में RBI की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं, उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं करेंसी छापने के और वहीं पर ही करेंसी प्रिंट की जाती है। इसके बाद देश के 19 शहरों में RBI के करेंसी इशू ऑफिस में और देश के 3054 चेस्ट ब्रांच में भेज दिए जाते हैं, और इसी तरह से करेंसी बैंक की तरफ से दोस्तों आम आदमी तक पहुंचती है। वैसे दोस्तों, हम लोग रोजाना रुपयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा में हम जो 10, 20, 50 और 500 रुपए तक के नोटों को खर्च करते हैं, इनकी प्रिंटिंग का खर्च कितना आता है? इसी के साथ साथ सिक्कों की प्रिंटिंग का खर्च कितना होता होगा, मतलब सरकार के इन नोटों के प्रिंटिंग पर कितने रुपए देने पड़ते होंगे, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि इंडियन करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन पर ही करेंसी प्रिंट किए जाते हैं। इनकी प्रिंटिंग सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में होती है, और आज देश में सिर्फ 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां ये नोट छपते हैं। इन जगहों के नाम है नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। यही नोटों के प्रिंटिंग का काम होता है। इसे छापने के लिए आपको बता दें, खास तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है।
अलग अलग इंक अलग अलग काम करती है और इसी के साथ साथ इसका पेपर भी बहुत खास तरीके से तैयार किया जाता है। इतने सालों से नोटों का इस्तेमाल करते करते आप इतना तो समझ गए होंगे कि नोट जिस कागज से बनता है वो कोई आम कागज नहीं है। बता दें कि भारतीय रिजर्व नोट को कागज के बजाय कपास से बनाता है। जी हाँ, क्योंकि कागज के नोट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, इसलिए RBI नोट बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल करता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों कि नोट बनाने में रत्ती भर कागज का इस्तेमाल नहीं होता, नोट बनाने में 100% कपास का ही इस्तेमाल किया जाता है। कागज के नोट के कंपैरिजन में कपास के नोट ज्यादा मजबूत होते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में नोट बनाने के लिए कपास का ही इस्तेमाल होता है। कपास के अलावा एडहेसिव सॉल्यूशन और गैटलिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण नोटों की उम्र लंबी होती है और नोट ज्यादा सालों तक बिना खराब हुए चलते हैं। दोस्तों, देश में इन चार जगहों पर नोट छापते हैं और वहां से करोड़ों नोटों की सप्लाई की जाती है। देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लीडरशिप में काम करते हैं। वहीं मैसूर और सालबोनी के प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के अंडर काम करते हैं। नासिक और देवास से फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 926.5 करोड़ पीसेस नोट की आपूर्ति RBI को की गई थी। वैसे जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों कि नोट छापने की स्याही का इम्पोर्ट मेनली स्विट्जरलैंड से किया जाता है। भारत में नोट प्रिंटिंग के लिए इंटाग्लियो, फ्लूरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पोर्ट होने वाली इंक के कंपोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है ताकि कोई और देश इसकी नकल नहीं कर सके। अब आइए जानते हैं इन इंक्स का कहां-कहां इस्तेमाल होता है। इंटाग्लियो इंक, इसका इस्तेमाल नोट पर दिखने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर छापने में किया जाता है दोस्तों। फ्लोरोसेंस इंक, नोट के नंबर पैनल की प्रिंटिंग के लिए इस इंक का उपयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, नोट की नकल ना हो पाए इसलिए इस इंक का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे में ही सवाल जरूर उठता है कि जब इंक इंपोर्ट करने में इतने इश्यूज हैं तो इंडिया खुद अपना इंक क्यों नहीं बना लेता। साथ ही इसमें इंपोर्ट में होने वाला खर्च भी बच जाएगा और डोमेस्टिक इंक सस्ती भी होगी। हालांकि 2015 के अप्रैल महीने में RBI के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट प्रिंटिंग में 100% घरेलू पेपर और स्याही के इस्तेमाल की बात कही थी और उसके बाद से नोट छापने वाली स्याही के घरेलू उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से डोमेस्टिक इंक और पेपर पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके साथ ही 2015 के बाद से महाराष्ट्र में इंक बनाने की यूनिट लगाने की बात हो रही है और इस काम में 3-5 साल लग सकते हैं। इसके बाद ही स्याही का इंपोर्ट बंद हो जाएगा। इसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों कि चीन और पाकिस्तान से कमर्शियल रिलेशन रखने वाली कंपनी से इंक और सिक्योरिटी थ्रेड का इंपोर्ट नहीं किया जाता है। कंपनी को यह भी अनाउंस करना पड़ता है कि उनके किसी एम्प्लॉय कर्मचारी ने पाकिस्तान या चीन में काम नहीं किया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मतलब आजादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुकी थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद साल 1938 की जनवरी में RBI ने पहली बार 5 रुपए के करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी, मतलब आजादी से 9 साल पहले रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी जारी की थी। इसके बाद 10 रुपए के नोट, मार्च में 100 रुपए के नोट और जून में 1000 रुपए और 10,000 रुपए के करेंसी नोट जारी किए थे। तो दोस्तों, ये थी करेंसी प्रिंटिंग की पूरी जानकारी। आप इंडियन करेंसी पर किसकी फोटो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बाकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।